ओके, समझ में आ गया बेटा ये सबको? सर एक मिनट सर, हाँ कर लीजिए, करो नोट करो, तब तक मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन. इसमें हमने क्या जाना कि इन केस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन, इंक्रीज क्या होगा इफ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, जैसे कोई भी फंक्शन y इक्वल टू fx, सो इफ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू fx इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग x, यानी कि आप जब x को इंक्रीज करेंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी या किसी इंटरवल हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे x के लिए, मान लो x1 से लेकर x2 तक आप कहीं भी देख रहे हैं, तो जिस इंटरवल ऑफ x, जिस इंटरवल ऑफ x में x को इंक्रीज करने पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी, मींस इफ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इंक्रीजेस है ना विद इंक्रीजिंग x, देन fx इज इंक्रीजिंग इन दैट पार्ट ऑफ x, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ x में fx विल बी कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इसमें हमने तीनों केस देखा कि ग्राफ अगर कनकेव अप हो तो भी, कनकेव डाउन हो, कॉन्वेक्स हो, इसको क्या कहते हैं कॉनकेव अप, तो कॉनकेव अप हो गया है ना, कॉन्वेक्स वाले को हम कॉनकेव डाउन कहते हैं, इसको हम कॉनकेव या कॉनकेव अप भी कह सकते हैं, कॉनकेव अप. कॉन्वेक्स को कॉनकेव के टर्म में अगर देखें तो कॉनकेव डाउन, और ये तो स्ट्रेट लाइन है ही है ना, तो कॉनकेव ग्राफ हो गया ये वाला, ये हो गया कॉन्वेक्स ग्राफ और ये स्ट्रेट लाइन, तो कॉन्वेक्स इज कॉनकेव डाउन, कॉनकेव साइड यानी कि नीचे की ओर है, इज दैट क्लियर. तो इन तीनों केसेस में देख लीजिए फंक्शन को, आप देखोगे कि इंक्रीजिंग एक्स के साथ वाई इंक्रीज, द पॉइंट विल बी एट अ पॉइंट विल बी ग्रेटर देन जीरो, स्लोप विल बी पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पॉजिटिव होता है, अगर हर जगह स्लोप ग्रेटर देन जीरो है तो हम उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. चलिए नोट करिए, जैसे आप कोई भी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव हो है ना, कोई भी ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव हो वो भी एक एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा है ना, और भी बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं. सो वी विल सी देम, जैसे इक्वल टू log x का जो है, याद आ रहा है log x when base is log x to the base b where b is greater than 1, याद करिए. तो ग्राफ क्या बताया था उसका, अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा आया था, याद करो ये ग्राफ, तो log x is also in strictly increasing function if base is greater than 1, if the base is less than 1 it is strictly decreasing function है ना, तो वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे. चलिए नोट कर लीजिए इसको, ओके तो ये चीज है. यहां पे दो बातें जानेंगे बेटा, ओके तो मैथमेटिक्स में हमें इन चीजों का ख्याल रखना होता है, वरना फिजिक्स में तो हमें सिंपल बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नेचर से मतलब है ना, तो बट हम लोग एक्चुअल चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन, वी विल सी सम एग्जांपल्स आल्सो. इंक्रीजिंग फंक्शन में मेरा बेटा दो तरह का मैंने आपको बताया, वन विल बी, अरे मार्कर अच्छा बोला, वन विल बी कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, dy by dx greater than zero. dy by dx करने का मतलब y क्या, y का मतलब जो भी फंक्शन है, so d dx of fx है ना, d dx of fx is greater than zero हो जाएगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज इंक्रीजिंग है ये, और सिंपली इंक्रीजिंग कहें तो
इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कहीं नहीं कर रहा है, तो और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग है ना, इसमें आपका क्या हो जाएगा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वहां पर आपका कंडीशन हो जाएगा कि dy by dx, dy by dx है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होगा तो फिर नहीं लेंगे है ना, ग्रेटर कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे आप स्ट्रेट लाइन बना दें और कहेंगे सर ये क्या है, इक्वल टू जीरो तो है, तो क्या ये हम इंक्रीजिंग कह सकते हैं, इसको इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, नॉन डिक्रीजिंग वाले ही कहेंगे पर इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं है, इंक्रीजिंग में कहीं ना कहीं पे आपको ग्रेटर होना चाहिए है ना, वो चीज है। तो मैथमेटिकल टर्म्स है आपको याद रखना होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपका ग्रेटर देन जीरो एंड इंक्रीजिंग सिंपली या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जो डिक्रीज नहीं कर रहा है तो ऐसा फंक्शन होगा। ये तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन जीरो होता ही है, वहां एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो है, वहां तो ग्रेटर कहीं होता ही नहीं, तो उसको नहीं लेंगे कंसिडर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। उसी तरह डिक्रीजिंग हो जाता है बेटा, डिक्रीजिंग में कुछ भी नहीं है, इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डिक्रीजिंग में लेस हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर देखूं, इक्वली इंक्रीजिंग फंक्शन का y इक्वल टू एल एन एक्स, y इक्वल टू एल एन एक्स, एल एन एक्स का ग्राफ क्या होगा, देखो एल एन एक्स का मतलब क्या हो गया, log x टू द बेस e, एंड यू नो दैट e इज 2.718 है ना, तो e की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होती है ना, e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इसका जो ग्राफ आ जाएगा वो क्या आ जाता है, ln x, y इक्वल टू ln x वर्सेज x का जो ग्राफ था, याद करो ऐसा ग्राफ आया था, याद करो, याद आ रहा है, log x का ग्राफ when the base was greater than 1, यहां पे वैल्यू 1 हो जाती है, ध्यान आ रहा है बेटा, बताइए log x का ग्राफ याद आ रहा है, yes sir, तो ये है ना when base is greater than 1, so यहां base e है, so ln x is an strictly increasing function है ना, इस तरह का आप नोट कर लीजिए। अब जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब ये आ जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका ग्राफ कैसा होता है देखना, मैं बना रहा हूं ऐसा ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ होता है इसका, तो y वर्सेज x है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो बीच में एक जगह आप x जीरो रखो, इसका डिफरेंशिएशन करो तो dy by dx करो तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, x इक्वल टू जीरो पे देखो जीरो हो जा रहा है ना, x इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जा रहा है, तो दिस विल बी इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि हर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। चलो तो इस तरह से आप देख सकते हैं है ना, इसमें आप और एग्जांपल ले लोगे, y इक्वल टू x ले लो, या कोई भी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू x इज ऑल्सो दिस, ये y इक्वल टू x का ग्राफ है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ x, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट इट, हो गया बेटा नोटेड, इज दिस कंप्लीट, एक मिनट, यस कर लो जल्दी से,
हो गया नोटेड? एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे इंक्रीजिंग था, है ना। यहां क्या होगा कि जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग करेंगे, समझे, x को डिक्रीज नहीं करेंगे, x को डिक्रीज, देखो क्या होता है इंक्रीजिंग में, है ना, डिक्रीज में नहीं देते। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मैं x को डिक्रीज करूंगा तो y भी डिक्रीज होगा, है ना, तो वो चीज नहीं लेना है, डिक्रीज के टर्म में नहीं लेते हैं, इंक्रीज के टर्म में ही हम देखते हैं चीजों को, है ना। dx का मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अगर इंक्रीज होगा x तो हम उसको पॉजिटिव कहेंगे dx, और डिक्रीज होगा x तो निगेटिव कहेंगे dx। तो आप यहाँ पर dx को हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे अभी फिलहाल। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो जाएगा, इस चीज को समझो, जो लिखा जा रहा है उसके हिसाब से सोचना। इफ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स डिक्रीज, से देखिएगा डिक्रीजेज, डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग, है ना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द एक्स, देन वाई इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड अ डिक्रीजिंग फंक्शन decreasing function for those values of x, है ना। ओके, चलो इसको नोट कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या केसेज बनते हैं इसमें। इसमें भी तीनों तरह का हो सकता है, कनकेव अप, कनकेव डाउन एंड स्ट्रेट लाइन। x हो गया, y हो गया, अब मान लो ये ग्राफ है, डिक्रीजिंग हो गया ना, ग्राफ देखिए डिक्रीजिंग हो गया ना बेटा, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कैसा कॉनकेव ग्राफ है, तो पहला हो गया कॉनकेव, या कॉनकेव अप भी कह सकते हो, दूसरा नंबर देखो ध्यान देना, है ना, पहला नंबर x y, है ना, ऐसा ग्राफ लाइक दिस, ये ग्राफ हो गया आपका, देखो ध्यान से देखो, दिस इज, तो ये ग्राफ भी डिक्रीजिंग है, जैसे आपका एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो वाई घट रहा है ना, वाई घट रहा है इंक्रीजिंग एक्स, यहां भी एक्स के बढ़ाने पे वाई में डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, है ना, वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ऑन इंक्रीजिंग द एक्स, सो ऑल दीज आर डिक्रीजिंग फंक्शन, दिख रहा है, देखिए उसी तरह से मेरा बेटा तीसरा एग्जाम्पल ले लो, है ना, जैसे ये कोई लाइन हो गया लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग है, जैसे से एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो दिस इज थर्ड वन इज द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ग्राफ, तो जहां पर इस तरह से ग्राफ दिखेगा तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, सेकेंड वन कॉन्वेक्स हो गया या और कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन। चलिए अब इन सब में आपको दिख ही रहा है कि स्लोप निगेटिव है,
इन ऑल दिस ग्राफ द स्लोप इज निगेटिव, जरा टेंजेंट बनाइए, टेंजेंट का स्लोप निगेटिव होगा, कहीं पे भी टेंजेंट बनाओ, देखो ये टेंजेंट, दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये टेंजेंट हमने बनाया है, तो यहाँ पर टेन थीटा ही आपका डीवाई बाई डी एक्स होता है, दैट इज निगेटिव। यहाँ भी देखो मेरा बेटा, यहाँ भी अगर आप टेंजेंट बनाएंगे किसी पॉइंट, ये देखो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा निगेटिव होगा, बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड देयरफॉर टेन थीटा दैट इज डीवाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो। यहाँ भी देखिए थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड टेन थीटा इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डीवाई बाई डी एक्स एंड दैट इज निगेटिव। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. हाँ चलिए जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। यहाँ भी उसी तरह से स्ट्रिक्टली वाला और इंक्रीजिंग दोनों कंडीशन लिख के क्वेश्चन करेंगे। कम ऑन डू इट सर। हाँ बोलिए। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो डीवाई बाय डीएक्स विल बी लेसर देन 0 कैसे होगा? बेटा डीवाई बाय डीएक्स क्या रिप्रेजेंट करता है पहले ये बताओ आप। स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट करता है। अब अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो टेन थीटा क्या होगा उस एंगल के लिए? टेन ऑफ थीटा क्या होता है? टेन थीटा ही तो स्लोप होता है ना बेटा? यस सर। ये बात क्लियर है कि टेन थीटा जो है वो डीवाई बाई डी एक्स है? हाँ सर। तो ये बताओ 90 से बड़े एंगल के लिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। तो इसमें फिर तो आपको पता ही है सारी बात है। ओ हाँ सॉरी सर। बोलो ये तो आपको पता ही है। हाँ सर। बोलो तो टेन थीटा ही तो स्लोप है और स्लोप ही आपका डीवाई बाई डी एक्स है, समझ गया ना? यस सर। हाँ बेटा चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। Note it down. Is this complete? No, sir. जल्दी से लिखो बेटा।
हो गया? यस सर। चलिए ठीक है। सर हाँ बोलो। आपने जैसे उस दिन दो पॉइंट्स के बीच में बताया था ना कि डिक्रीज और इंक्रीज कैसे करते हैं, तो वो दो पॉइंट इंक्लूड और एक्सक्लूड कब होंगे? हाँ वही अभी डिस्कस तो किया था ना, फिर बताता हूँ, रुको एक मिनट लिखो फिर बता देता हूँ, है ना। अभी देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली वाला बताया था ना बेटा, है ना, उसके लिए अभी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी होगी, आपको वो सीधे ट्वेल्थ में जाकर के फिर होगा, इसलिए मैं अभी ब्रीफ में डिस्कशन किया था को लिखो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस पर चर्चा की थी, इक्वल टू जीरो लिखा था, अभी फिर से देखो समझ जाओगे, है ना। इस कंडीशन को पहले लिख लो तो आप लोग डिक्रीजिंग फंक्शन वाला, डिक्रीजिंग फंक्शन देखो अभी उसी चीज पे हम लोगों ने चर्चा किया था, इंक्रीजिंग वाले में भी और डिक्रीजिंग में भी करते हैं, और फिर मैं एग्जांपल से दिखाता हूं, है ना। देखो इसमें भी मैंने क्या बोला, दो तरह का हो जाएगा, एक तो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में नहीं इंक्लूड करेंगे, समझा सुझा। अगर आपसे पूछ रहा है कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपका क्या होता है एफएक्स डीएक्स ऑफ डी डीएक्स ऑफ एफएक्स लेस देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपका नॉन इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, या तो डिक्रीज हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, इसमें कांस्टेंट होने की भी संभावना होगी, या सिंपली इंक्रीजिंग कह लो, है ना, कहीं कहीं कांस्टेंट है और कहीं कहीं इंक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली में कहीं पे भी जीरो नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग क्यों ले रहा हूं, सॉरी डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो तो पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा ना, समझा ये बात, बोलो सर। सर एक ही ग्राफ में अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो तो उसमें वो पॉइंट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एग्जांपल लेंगे ना, पहले इस पॉइंट को तो समझे या नहीं समझे ये बताइए। हाँ ये समझ गया, ये समझ गया ना, अब एग्जांपल लेंगे ना बेटा, तो वो चीज तो आएगा ही ना, एक में भी हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो नहीं कि पूरे में ही होगा, वो तो एग्जांपल, वो तो डायग्राम में दिखाने के लिए मैंने दिखाया। अब बेटा यही देखो, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा तो क्लियर होगा, अब ये चीज नोट कर लो फिर एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, आराम से समझाते हैं इसको, जल्दी से नोट कर लो आप लोग, इसको नोट कर लीजिए फिर मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं ग्राफ का, क्वेश्चन का। चलिए करिए इसको, हो गया नोट? यस सर। ओके चलो देखो एग्जांपल से समझाएंगे तो एक ही एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा आपको, है ना, एक आध क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, एक दो आप कर लेना। हाँ देखो मेरा बेटा, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, देखा था ना, आज फिर चलो इसी की बात करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिंपल सा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो dy by dx क्या हो जाएगा बताओ, 2x,
तो dy by dx हो जाएगा 2x। अब आप लोग समझो इसको, ध्यान देना कि यहां पर पहले मैं बात कर रहा हूं, पहला कंडीशन ले रहा हूं इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग देख रहे हैं या नॉन डिक्रीजिंग देख रहे हैं, तो इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब या तो इंक्रीज या कांस्टेंट हो सकता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा dy dx ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, याद करिए मैंने जो लिखाया था ये कंडीशन आएगा, यानी कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा जीरो, इंक्लूड हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी हो जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी हो जाएगा, ये बात देखो और आगे सारे पॉइंट लिख, फिर उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछिए, पहले मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब दूसरा पार्ट देखना मेरा, इसी में सेकंड पार्ट पे ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उस केस में क्या हो जाएगा dy by dx should be greater than zero, है ना, बस यही फर्क है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x is greater than zero and this implies x is greater than zero, यानी क्या कहेंगे x belongs to zero to infinity, तो देखो सुझाव इंक्लूड होगा है ना, ओके यहाँ नहीं इंक्लूड होगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये सारे चर्चा हम लोग ट्वेल्थ क्लास में फिर करेंगे क्योंकि ट्वेल्थ के सिलेबस में है, अभी हमें इसलिए करना है क्योंकि इसको इसका एप्लीकेशन होता है, फिजिक्स में भी होता है मैथ्स में भी होता है, तो इसीलिए हमें ब्रीफ लेवल पे इसको समझ लेना जरूरी है ना, बल्कि आप ट्वेल्थ के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं इसमें आपको रेगुलर क्वेश्चंस देता जाऊंगा ताकि आपका कैलकुलस पे प्रैक्टिस होता रहे, मोस्टली कैलकुलस 11th में ही खत्म कर दूंगा आपका। थर्ड नंबर उसी तरह से डिक्रीजिंग की बात करें, डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग कहिए, तो जहां इंक्रीज नहीं हो रहा है या फिर डिक्रीज सिंपली डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्ट्रिक्टली का मतलब है सिर्फ इंक्रीज होना, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होना, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब कॉन्स्टेंट भी नहीं होना है ना, वो चीज है, तो सुनो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका dy by dx less than or equal to zero, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2x is less than equal to zero and this implies x will be less than or equal to zero and this implies x belongs to minus infinity to zero, है ना, minus infinity to zero including, और अगर ये चौथे नंबर पे strictly decreasing, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ध्यान से देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, इक्वल नहीं लगेगा, ओनली ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लगेगा, तो dy by dx डिक्रीजिंग है तो लेस देन हो जाएगा, नॉट ग्रेटर देन, सॉरी ये हो जाएगा एंड दैट इज 2x, ध्यान दीजिएगा 2x इज लेस देन जीरो एंड दिस इंप्लाइज x इज लेस देन जीरो एंड दिस इंप्लाइज x टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ठीक है बेटा, जीरो नॉट इंक्लूडेड, देख लो अच्छे, समझा सुजल बेटा, क्लियर हुआ? हाँ जी, इसलिए मैंने कहा कि पहले आप कंडीशन लिख लीजिए फिर एग्जांपल से समझा देंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा, चल है ना, लर्निंग ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इवन टीचिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, है ना, दोनों जगह चाहिए होता है, for learning also and for teaching also. Okay, I am feeling today quite better. कल बहुत headache हो रहा था. कर लो इसको, है ना, ये बीच-बीच में कभी class disturb हो सकता है due to headphone. Okay, ये बहुत परेशान करता है. So don't worry about that. एक आध दिन कभी rest करना पड़ सकता है.
चलो इस एग्जांपल नोट करिए, फिर मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ आपको, है ना। बस दो मिनट आप लोग रिवाइज कर लो जो पढ़ाया मैंने। हैव अ ब्रीफ रिवीजन ऑफ टू मिनट फर्स्ट ऑफ ऑल। हो गया बच्चों कंप्लीटेड? बोलिए। हेलो, ये कंप्लीट हो गया बेटा? हाँ कर लो। देखो मैं आप लोगों को क्लास 12 का जो एनसीईआरटी सीबीएसई का जो सिलेबस है वो आपको मैं लगभग पढ़ा दिया हूं इस चैप्टर का, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। और भी टॉपिक्स हैं इसमें, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके एक्सरसाइज में क्लास 12 का मैथ्स का भेज दूंगा आपको, आप लोग करना है ना। फंसोगे मुझसे पूछना, कोई नहीं, समझ रहा है बेटा? ओके, 12 का एनसीईआरटी आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना आप पढ़ चुके हैं, मैं अलॉन्ग विद थ्योरी भेज दूंगा, तो आप लोग उसको करिएगा। यहाँ आओगे तो बुक आपको मिल जाएगा, है ना। Even last day I went and purchased a book of 7,000 rupees for you people. तो वो आप लोगों को काम आएगा। और कुछ foreign books भी मैंने order किया है Amazon पे, and that will be coming after in July it will come, है ना? So all of the those for you people only. तो करते रहेंगे। तो मैं आपको भेजूंगा, कुछ questions बनेंगे, कुछ solved example होंगे, पहले उसको try करना, फिर exercise करना, है ना? फंसोगे तो उससे परेशान नहीं हो, क्योंकि आपको उतना ज्यादा लेवल तक अभी यूज नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन। हाँ हेलो सर, आवाज जा रही है मेरी? सर आंसर दे रहे थे, नहीं आपको लग रहा, सुनाई नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं, मेरा आवाज जा रहा है? हाँ आपका आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है ना? आपका भी आवाज आ रहा है क्लियर, हो सकता है उस समय नहीं आ रहा हो। चलो देखो एक क्वेश्चन लिखो तो आप लोग करो इस क्वेश्चन को बेटा। फंक्शन थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, सॉल्व यही करना है। पहले डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा एक, डिफरेंशिएट करने पे एक फंक्शन आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करने पे जो आएगा उसको ये कंडीशन लगाओगे, समझा? बस कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, काम यही है, बेसिक यही है, समझा? चलो देखो, इससे ज्यादा थ्योरी इसमें होता नहीं है, समझे ना, थ्योरी यही है इसका। अब क्वेश्चन का लेवल नीचे हो सकता है, तो आप एनसीईआरटी लेवल पे तो कर ही लेंगे, है ना, सीबीएसई लेवल पे पूरा कर लेंगे 12th का,
वो मैं भेज दूंगा एक्सरसाइज आपको करने के लिए, मैं उसी से देखो क्वेश्चन करा रहा हूँ, 12th का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, है ना, आराम से कर लोगे आप लोग। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स, राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स Find the intervals in which the function given by fx equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is, पहले नंबर पे क्या करना है, पहले नंबर पे चेक करना है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कर रहा है, तो इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करोगे, नॉन डिक्रीजिंग, हाँ नॉन डिक्रीजिंग बिल्कुल सही, और इसमें क्या आ रहा है डिक्रीजिंग, कम ऑन करो इसको, इस चैप्टर का मैं पूरा चैप्टर का पीडीएफ बना के भेज देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, इसमें एक टॉपिक बस छोड़ के मैं पूरा टॉपिक आपको 11th में पढ़ाऊंगा, है ना, वो भी कभी मौका मिला तो पढ़ा दूंगा, एक टॉपिक से पढ़ाएंगे क्योंकि उसका अभी यूज नहीं है, बाकी पूरा पढ़ा देंगे, करो ये अगले क्लास खत्म हो जाएगा, मीन्स कल तक खत्म हो जाएगा, करो नोट करो और इसको सॉल्व करो बेटा, कर लोगे, देखो सिंपल सा चीज है, पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करोगे dy / dx फाइंड करोगे, fx का मतलब क्या हो गया y, यही है y, इसको डिफरेंशिएट करोगे, y लिख दो इसको, आप y भी लिख दो शॉर्ट में, है ना, y fx को ही हम y नाम देते हैं, d dx ऑफ fx इतना बड़ा लिखने की जगह dy / dx शॉर्ट में लिख दो, चलो करो इसको, निकालो आंसर आप लोग, अब जैसे देखो एनसीईआरटी में इन्होंने आंसर गड़बड़ दे दिया, इंक्लूड नहीं किया है ना, पढ़ाते समय तो बताया है, जब इन्होंने थ्योरी बताया उस समय डिस्कस किया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन क्वेश्चन करते समय ध्यान नहीं दिया है, सीबीएसई वाले यही सब गड़बड़ करते हैं ना, कोई नहीं आप समझ सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, यहाँ देख लो फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, ओवरऑल माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है ना, तो इंटरवल में किसी एक इंटरवल में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कह सकते हैं, अगले क्वेश्चन है फिर एनसीईआरटी ने सही किया है ना, कोई नहीं,
आगे आंसर अर्पित, अर्पित बेटा कर रहा हूं। हाँ करो जल्दी करो, डिफरेंशिएट तो हो गया ना, डिफरेंशिएट में इतना टाइम नहीं लगा। डिफरेंशिएट तो एक लाइन का है। डीवाई बाई डी एक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश से शॉर्ट में, ठीक है। डीवाई बाई डी एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश से, ठीक है। डी एफ डैश एक्स डैश लगाने का मतलब है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी होता है, ठीक है, याद रखोगे। फोर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये हो गया ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा माइनस 12x माइनस 72, 30 का डिफरेंशिएशन जीरो, 30 तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 12 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 72 है ना, तो माइनस 6 आ जाएगा, ये आ गया है ना। अब देखो फॉर इंक्रीजिंग, पहला नंबर फॉर इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा आपका, करिए आप लोग भी करते रहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइड फॉर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आपका फैक्टराइज भी हो जा रहा है टू और थ्री माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं ना, याद करो पीछे वाला वेवी कर्व मेथड याद आ रहा है, तो माइनस टू आ जाएगा एंड थ्री आ जाएगा, द रूट्स आर माइनस टू एंड थ्री, सब चीज भूल तो नहीं गया वेवी कर्व, वेवी कर्व और उसके रूल्स याद भी याद रखने हैं, ऑड इवन वाले रूल्स, ठीक है। यहां तो सिंपल है, कहीं भी देख लो जीरो रख लो, माइनस टू और थ्री के बीच में जीरो आ रहा है, रखो जीरो, जीरो रखते ही क्या आएगा माइनस सिक्स यानी कि निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव, दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू, माइनस टू हाँ, x बिलोंग्स टू इंक्लूडेड माइनस टू इंक्लूड होगा टू माइनस टू यूनियन इंक्लूडेड यूनियन टू इनफिनिटी इंक्लूडेड इनफिनिटी टू, ये इंक्रीजिंग हो गया है ना, इस इंटरवल में क्या होगा f(x) इज इंक्रीजिंग और b पार्ट के लिए जो हो जाएगा सेकंड पार्ट, इसी का जो सेकंड पार्ट है b पार्ट लिख लो इसको b पार्ट, इसके लिए आपका dy by dx less than or equal to zero, यानी कि x belongs to क्या हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट लिख दो x belongs to minus 2 to 3, is that clear, is that clear, सर डिक्रीजिंग वाला करने डिक्रीजिंग होता है तो लेस कहाँ है, देखो माइनस टू से थ्री, याद तो रखो बेटा कंडीशन, फंक्शन के डिक्रीजिंग का क्या कंडीशन है बताइए, बोलो बेटा इंफिनिटी,
अरे सर लेस देन इक्वल टू जीरो ये वाला समझ गया तो इसमें कोई इशू तो आता ही नहीं है। जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया तो यहाँ लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ये तो आपको याद करना है। करो आइए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आप लोग इसी तरह का। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, जरा सोचना है ना, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना बन जाएगा आपसे। आई एम गोइंग टू रब दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सो दैट क्या शो करना है, द फंक्शन एफ मीन्स एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन स्ट्रिक्टली एक मिनट बेटा नहीं सुन पाया, बोलो। हेलो, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है एक बार रिकनेक्ट करके देख लो बेटा, हो सकता है रिकनेक्ट करने पे आ जाए। ओके सर। हाँ, सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 4x वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरीली इंक्रीजिंग। ऑन आर का मतलब किसके लिए यूज हो रहा है, एक्स के लिए, एक्स की वैल्यू पूरे रियल नंबर के लिए, माइनस इनफिनिटी, ऑन आर का माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक के लिए इंक्रीज ही कर रहा है, तो ये शो करना है। सोचो कैसे करोगे, यानी कि आपको ये शो करना पड़ेगा कि डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसी भी एक्स के लिए पॉजिटिव ही होगी। सोचो, कर सकते हो, दिमाग लगाओ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करो, हो जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन को करिए, डू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर लो, फिर मैं आपको एक्सरसाइज भेज दूंगा पूरा और आगे मैं पढ़ाऊंगा। हो गया, पहला वाला क्वेश्चन हो गया ना बेटा। सर पहला वाला हो गया। हाँ सर। चलो दूसरा वाला करो, पीयूष आपसे हो गया बेटा पहला वाला? हाँ सर, पहले ही हो गया। ओके, सुजल आपने कर लिया पहला? यस सर। दूसरा करो बेटा ये वाला, देव अब वीडियो आ रहा है बेटा? देव सेकंड क्वेश्चन करिए, दिस इज क्वेश्चन, इसको करिए। अब मैंने बताया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर रियल नंबर, यानी कि एक्स के सारे रियल वैल्यू के लिए, हाँ एक्स के सारे रियल वैल्यू के लिए, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के लिए, पूरे के लिए, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, करो। ओके, मैं 5 मिनट आप लोग को टाइम देता हूँ, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू फॉर 5 मिनट, यू डू दिस क्वेश्चन। किसको नहीं आ रहा है अभी वीडियो, आप कौन से बोल रहे बेटा? देव बोलो, बताओ तो फिर मैं देखूंगा ना।
अबे बेटा आपको नहीं आ रहा है? यस सर, मेरा कुछ प्रॉब्लम है सर, कनेक्ट स्लो। अच्छा दूसरे दूसरे फोन से कनेक्ट करके देख लो। यस सर। पीयूष आपका आ रहा है बेटा? हाँ हाँ सर आ रहा है। अच्छा सर ओके ठीक है, देव आप दूसरे फोन से कनेक्ट कर लीजिए, आई विल एक्सेप्ट दैट। ओके दीदी के फोन से या किसी फोन से कर लो। देव आप दिख रहे हैं? सर आप बोलो बेटा। अगर ये आ गया कि कोई भी x की वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये जीरो है तो ये पॉजिटिव है, ये भी आ जाएगा? मतलब जीरो नहीं है, प्लस नेगेटिव भी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है, बिल्कुल आएगा, है ना? तभी तो प्रूफ होगा। देखिए है ना बेटा, परफेक्ट बनाने वाला जो तरीका था उससे करो ना, परफेक्ट स्क्वायर बन के एक पॉजिटिव टर्म भी आ जाएगा। सर एक मिनट बस। हाँ करो करो, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, करिए। कम से कम मैं dy by dx तो निकाल के रखूँ, है ना बेटा? देखो आ जाएगा, कर रहे हो, आ जाएगा। तो यहाँ y क्या हो गया? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो बेटे y डैश मतलब यहाँ पर क्या है? dy by dx। y डैश से मतलब क्या है? dy by dx। dy by dx में y डैश लिखते हैं, है ना? ये सब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो y डैश या dy by dx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये आ गया, ये आ गया ना? ऐसा रियल रूट नहीं आ रहा। हाँ जो भी आ रहा, हमें रियल रूट तो नहीं आ रहा, और भी चीज देखेंगे, है ना? अभी आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा नहीं है ना, नहीं तो आप एक इसको देखते ही साथ कह रहे थे कि पॉजिटिव होता है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तब होगा, लेकिन नहीं भी पढ़े हो तो अभी करने का तरीका आपको आता है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए ना, यहाँ पर इसको आप एक काम करिए, थ्री कॉमन ले लीजिए, थ्री कॉमन ले लीजिए, लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हो गया सर। हाँ प्लस 1, तो देख लो प्लस 1 के तो क्या हो गया? प्लस 3 हो गया ना, 3 प्लस की है ना, तो प्लस 3 इसमें से निकाल लिए। ऐसे इसको लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, अलग से 1 लग जाएगा सर बगल में। हाँ वही कह रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। तो थ्री कॉमन ले लिए, एक वन बगल से आ गया,
देखो आ भी गया, इनका भी सुजल का भी आ गया, सबका आ जाएगा बेटा, तो 3 हो गया। और ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, निगेटिव तो होगा नहीं। अगर ये 0 भी हो जाएगा तो 1 तो बचेगा ना, 1 तो बचेगा, यानी कि 0 कभी नहीं हो सकता ये टर्म। सो दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, फॉर ऑल। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ कई बार, है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा उल्टा है ना, पहले भी एक दो बार मैंने लिखा है, ओके याद रखना, फॉर ऑल एक्स एन एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। इस सिंबल का क्या मतलब है, फॉर ऑल, फॉर ऑल, इज दैट क्लियर, फॉर ऑल एक्स एन एलिमेंट ऑफ आर मेरा बेटा। चलो कोई दिक्कत इसमें, बोलिए। नो सर। तो यानी कि ग्रेटर देन जीरो प्रूफ हो गया ना, पॉजिटिव, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स एन एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ऑन आर, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, सो वी हैव प्रूव्ड दिस। चलिए समझा यहां तक, ओके, गॉट दिस पॉइंट। अब देखो, अब यहीं तक हम रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैक्सिमा मिनिमा। हाँ बोलो, वो क्या लिखे हैं वहां पे, कहां क्या लिखे हैं, वो उल्टा ए को क्या बोलते सर, भूल गए। अरे भाई यहाँ लिख तो दिया फॉर ऑल, अच्छा अब वो उसके बगल में एक्स लिखा हुआ है, ऑब्वियसली ऐसे लिखते है ना, देखो फॉर ऑल एक्स एन एलिमेंट ऑफ आर, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, For all x an element of R. इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल को पढ़ते हैं for all, है ना, तो for all x an element of R, मतलब सभी x के लिए, जो कि real value है ना, तो सिंबल का mathematical symbol है बेटा, है ना, अब याद रहेगा सबको, yes sir, हाँ तो याद रखो इस चीज को, सिंबल यूज हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, टेस्ट में भी तो दिया था मैंने, पहले भी एक दो बार यूज कर चुका हूं, लेकिन आप लोग वही है कि उसको ध्यान नहीं होगा अभी, तो कोई नहीं, अब उसको कर दो, टेस्ट में आता है तो सब याद आ जाता है बच्चों को, है ना, तो करिए इसको। यहां तक समझ गया, यहां तक समझ गया। सो नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल स्टडी इन मैथमेटिक्स, जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं भेज रहा हूँ, तो आप वहां से पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, मैं थोड़ी देर में भेज रहा हूँ मटेरियल इसका, 12th क्लास वाला पूरा मैथ्स का चैप्टर भेज देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो वहां पर बस यही वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इसके आगे फिर उसमें नहीं पढ़ेंगे, एक टॉपिक और आता है वो नहीं पढ़ेंगे, तो दिस इज मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, ये बहुत काम साइंस में आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स में तो यूज होगा ही, क्योंकि मैथमेटिक्स ही है, तो फिजिक्स में भी काफी यूज होता है मैक्सिमा मिनिमा का। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, है ना, तो ये मैक्सिमा मिनिमा का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चेन रूल पढ़ लेंगे, टू थिंग्स मैक्सिमम मिनिमा एंड चेन रूल, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट क्लास होगा उसमें हम इंटीग्रेशन के बारे में वीक में, है ना, मंडे को ही पहले मैथ्स पढ़ाऊंगा, तो मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पहले पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब, क्योंकि फिजिक्स में भी इंटीग्रेशन यूज होने लगेगा बाय मंडे तक, ठीक है बेटा, तो चलो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड द लेक्चर एट दिस पॉइंट। हाँ बोलो, 11 बजे केमिस्ट्री क्लास है, केमिस्ट्री है ना, कल पहले मैथ्स फिर फिजिक्स है ना, चलिए।